अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पोटैटो वेजेस। तो इनके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ। आलू लिए हैं मैंने 7 अदद, इस साइज़ के, मीडियम साइज़ के लिए हैं। इसको मैं कट कर लूँगी। कट हमें इस तरह से करने हैं पोटैटो वेजेस के लिए, सेंटर से पहले कट करके फिर हाफ करना है। अब ये जो लायर है हमारे पास, इसकी भी हाफ हाफ पीस करने हैं। इस तरह से सेंटर में से कटिंग करनी है इसकी हमें। तो इस तरह से सारे हमने आलू काट लेने हैं। ये देखिए सारे आलू की मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से, और इसे धोकर खुशक कर लिया है, ड्राई कर लिया है। यहाँ एक पैन में मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है। पानी में उबाल आने लग गया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी और ये आलू काट दूँगी जो कट करके रखे थे मैंने। और इसे मैं सिर्फ 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबलने दूँगी। आलू हमारे बॉईल हो गए, इसमें निकाल लूँगी एक पैन में। यहाँ मैंने इसके मसालों के लिए लिए है बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून, हरा धनिया पत्ता लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च लिए 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। सबसे पहले डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। नमक ऑलरेडी हम लोगों ने आलू के अंदर डाला था बॉईल करते हुए, तो आपने इतना ही नमक लेना है कि हमारा बैटर बस नमकीन हो। अदरक लहसुन पेस्ट, हरा धनिया पत्ता। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसका थिक सा बैटर तैयार कर लूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब ये जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर डालूंगी मैं। अब मैंने मिक्स कर लूंगी ताकि ये बैटर से अच्छी कोटिंग हो जाए आलू पर, और ये हमारे अच्छे और क्रिस्पी से आलू मसालेदार तैयार हों पोटैटो वेजेस। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके आलू डालूंगी मैं और इसे फ्राई होने दूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि क्रिस्पी और अच्छे से तैयार हो, अंदर से भी कुक हो जाए और क्रिस्पी से फ्राई पर हो हमारे पोटैटो वेजेस। ये देखिए पोटैटो वेजेस हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो चुके हैं और बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार से तैयार हुए हैं। तो इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। पोटैटो वेजेस हमारे फ्राई होकर तैयार हो गए हैं क्रिस्पी से, मज़ेदार से, और ये बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो आप इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।